मैं कभी बतलाता नहीं, ये पाब्लो आया है और ये आई है पाब्लो की मम्मा तृप्ता रनावत। और आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। ऊपर 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 मम्मा के पास आओ, इधर आओ। ये मेरा बच्चा है ना, ये मम्मा से बहुत प्यार करता है ना भाभी? आप मम्मा से बहुत प्यार करते हो ना? आई लव यू टू। मुंह में कचरा भी डाल देता है जो खा रहा होता है मुंह में डाल देता है। बाबू वन मोर की थी, कचरा नहीं डालोगे अब मुंह के अंदर, ठीक है? बहुत प्यार करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास ऐसा प्यारा बच्चा है और ऐसी बॉटलें हैं कांच की जिनके ऊपर ये लेबल चिपके हैं और इनको उतारना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो मैं आज आपको इसकी इन लेबल्स बहुत आसानी से उतारने की भी एक ट्रिक बताती हूँ जो सच में आपको बहुत पसंद आएगी। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम लेडीज़ को घर में बहुत मतलब परेशान कर देती हैं, क्योंकि हम हर चीज़ को रिसाइकल करना चाहते हैं, हर चीज़ को रीयूज़ लेना चाहते हैं। तो जो मेरी तरह से जुगाड़ू लेडीज़ हैं और जो लोग हैं वो इसको ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं, है ना बाबू? ओए मेरे बेटा, ये भी आ गया, ये सारे लेबल खुश उतार देगा, है ना? हाँ, यही उतार देगा, यही। ये जो बच्चा है ना, ये यही मेरा सारा काम करता है। वैसे मम्मा कुछ नहीं करती है, सारा काम ये मेरा बाबू करता है ना बाबे? आप करते ना मम्मी का सारा काम? देखो आके बैठ गया मम्मी के पास में। दोस्तों इन बॉटल्स के लेबल उतारने के लिए आपको करना बस इतना है कि थोड़ा सा पानी लेना है और उसे गर्म करने के लिए रख देना। ये मैं हमेशा भूल जाती हूँ कपड़ा लेना, तो ये मैंने थोड़ा पानी लिया है और उसको गर्म करने के लिए रख दिया है। तो दोस्तों जैसे ये पानी गर्म होगा तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है, और आप देखेंगे कैसे इन बॉटल्स पे लगे हुए ये लेबल्स चुटकियों में गायब हो जाएंगे। ये बच्चा गायब नहीं होगा, ये बच्चा तो मेरे साथ ही रहेगा, सिर्फ ये लेबल गायब होंगे। ये देखो ये बच्चा कैसा बोतलों पे लेबल की तरह चिपका पड़ा है, पता नहीं क्या कर रहा है इनके अंदर। बस ये बच्चों को जहाँ कुछ चीज़ दिख जाए बस वहीं चिपक जाते हैं वहाँ खेलने के लिए बस। और ये तो भैया मम्मा का साथ ही नहीं छोड़ता। बाबू पानी हो गया गर्म, चलो अपना अब हम बताते हैं आगे क्या करना है। ये पानी मेरा गर्म हो गया है, मैं इस पानी को लूँगी, गर्म गर्म पानी को लूँगी, और आपको बस इतना करना है इस गर्म पानी को इन बॉटल्स में डाल देना है, ठीक है? अब आपने इन पानी गर्म पानी डाल के थोड़ी देर के लिए ऐसे ही इन बॉटल्स को रख देना है और फिर आप देखेंगे चमत्कार, ये रहा मेरा छोटा सा पुचू पुचू। तो देखिए दोस्तों, अब ये देखिए स्टीगर मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ, जैसे हमने गर्म पानी डाला ना, तो ये देखिए ये स्टीगर अब कितनी आसानी से उतर जाएगी। ये देखिए, नो नो नो, गर्म पानी उतरो बेबी। अब ये देखिए खाना खाएंगे हम बाद में। ये देखिए ये स्टीगर कितनी आसानी से इस पे से उतर गया, जिसको हमें उतारने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती, ठीक है? तो ऐसे ही आप भी आसानी से ये कांच की बॉटल्स पे लगे हुए ढक्कन को आराम से उतार सकते हैं। ये देखिए ये इस पे लगा हुआ प्लास्टिक भी उतर के नीचे आ गया है। अब आप बस इसको बॉटल्स को साफ कर लीजिए तो आपको मिल जाएंगी साफ सुथरी बॉटलें जो आप वापिस से रीयूज ले सकते हैं। ये देखिए कितनी आसानी से उतर गया, ये खाने के लिए तैयार है हमारा बंदर। इनको भी खा जाओ गया। देखिए दोस्तों ये बॉटल का भी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये भी देखिए थोड़ी देर बाद ही, ये देखिए ये भी इतनी आसानी से लेबल जो नहीं उतरते ना, ये भी एकदम उतर जाएगा। ये देखिए ये लेबल भी कितनी आसानी से उतर गया, थोड़ा सा चिपका हुआ है। तो ये देखिए ऐसे ही ये आसानी से हम लेबल हटा सकते हैं, एकदम आसानी से, है ना? ये देखिए दोस्तों, मैंने अभी ये बॉटल्स दोनों साफ कर ली हैं और देखिए आपके सामने एकदम साफ हो गए हैं लेबल, 1% भी इस पर नहीं लगा और कितनी आसानी से ये साफ हो गए हैं। और लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब ये बॉटल्स में आप पानी डालें और बॉटल्स गर्म हो उसी समय उसको ठंडे पानी में ना डाल दें, पहले उसको लेबल उतारने के बाद जब बॉटल गर्म हो उसे थोड़ी देर साइड में रखना और फिर उसको धोना ठंडे पानी से या जो भी आप धो रहे हो, क्योंकि एकदम से अगर आप गर्म कांच को ठंडे उसमें ठंडा पानी डाल देंगे तो ये साइंस का वो है थ्योरी कि एकदम गर्म ठंडा होगा तो रिएक्ट करेगा और कांच की बॉटल
टूट जाएगी। तो आप इसे ऐसा मत करना फिर ये, और फिर नहीं तो आप कहोगे कि तृप्ता ने ये बात बताई नहीं। तो ये देखिए, ये थी पिज़्ज़ा सीजनिंग की बॉटल, और देखिए अब ये साफ हो गई है। तो इसे आप नमकदानी बना सकते हैं, है ना, और रीयूज़ कर सकते हैं, और इस कांच के डब्बे में आप कुछ भी रख सकते हैं, है ना। कितना बढ़िया, हमारा एक डब्बा साफ हो गया। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वाला ट्रिक, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई लव यू जो बाबू, चलो बाबू सबको बाय कर दो, बाय कर दो सबको, बाय बाय। कह दे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। बाय बाय।